नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्री टेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों अभी आए हुए हम छिब्बर एग्री इक्विपमेंट के स्टॉल पे, जहां पे आप हमारे सामने विभिन्न प्रकार के आटा पीसने से लगा के मसाला, जड़ी बूटियां, इवन सारी चीज़ें पीसने की मशीन रखी हुई है। तो इनके बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए आए हैं राहुल जी सर, तो इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में कुछ बताते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सुरेश जी। तो इतने मॉडल होते हैं क्या आटा चक्की मशीन हो गया? बिल्कुल सुदेश भाई, जैसे कि हमें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती थी, जो लोग खास करके आटे को बिल्कुल बारीक मैदे की क्वालिटी का आटे की रिक्वायरमेंट होती थी, उसके लिए हमने ये स्टील बॉडी रेंज तैयार की है। इसमें मेरे पास अलग अलग किस्म के मॉडल हैं, तो मैं सभी मॉडल्स के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। जी जी बिल्कुल बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो देखने में लग रहा है, एक आपको देखने में फ्रिज नुमा एक अलमारी लग रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको वुडन कैबिनेट आटा चक्की कहा जाता है। ये जो मॉडल है, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत छोटी सी कैबिनेट है, लेकिन ये एक आटा चक्की का काम करती है। ये जो मॉडल है, इसमें हमने एक एचपी की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है। ये जो मॉडल है आपका, हर किस्म का जो सूखा अनाज है, ये मसाले है, हल्दी या लाल मिर्च को छोड़ के काली मिर्च जैसे मसाले हैं उनकी पिसाई ये करेगा। इस मॉडल में हमने सेंसर सिस्टम भी लगा दिया है। सेंसर का मतलब ये है कि जब ये मशीन हम ऑन करेंगे, इसका यूनिट तभी चलेगा जब इसमें ग्रेन डालेंगे, और बाई चांस अगर चक्की चलती हुए का आगे वाला गेट ही हमने खोल दिया तो चक्की ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त वाला पिक्चर डाला है। तो जी बिल्कुल, कैपेसिटी की बात करें तो कितनी हो जाएगी? सर ये मॉडल जैसे कि मैंने आपको बताया है, डोमेस्टिक काम के लिए है। इसकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये घंटे का एक यूनिट के करीब बिजली कंज्यूम करेगी, और 10-11 केजी प्रति घंटे की इसकी आउटपुट कैपेसिटी आती है। ठीक है, अब अगले मॉडल की तरफ आ जाता है। ये कुछ मल्टीफंक्शनल लग रहा है। बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एक एचपी वाला मॉडल है वो डोमेस्टिक काम के लिए है। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट आती थी जो लोग अनाज के साथ साथ मसाले की पिसाई, जैसे कि हल्दी होगी, जड़ी बूटी होगी या लाल मिर्च हो गई, उनकी पिसाई भी करनी है, तो उनके लिए ये सारे मॉडल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो आप ये मॉडल देख रहे हैं, 2 HP स्टील बॉडी में है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक सारी बॉडी इसकी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। इसमें 2 हॉपर लगे हुए हैं, जो ये साइड है हॉपर की, इसमें से अनाज की पिसाई होगी। अच्छा, और जो मोटा मसाला हमने पीसना है, जैसे हल्दी होगी, लाल मिर्च है या दालचीनी है, वो आगे वाले हॉपर से जाएगी। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही सेफ्टी फीचर के लिए MCB स्विच लगा हुआ है, और साथ में एम्पियर मीटर की ऑप्शन हमने ये दी। क्या है सर ये जो नॉब है, ये नॉब जो पीछे वाला अगर आउटलेट खोलना है, कितना खोलना है, उस हिसाब से एडजस्ट हमने कर लेना है। ठीक है, अब अगले मॉडल की तरफ आ जाते हैं। सर उससे पहले जो ये 2 HP का मॉडल है, इसकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये 20 से लेकर 22 KG प्रति घंटे की इसकी आउटपुट कैपेसिटी है। ठीक है, अब इस पर आ जाओ। उसके बाद कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती थी डोमेस्टिक मॉडल के बाद, जो मेरे भाई अपना खुद का बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनको मॉडल मिल जाए जिनसे प्रोडक्शन भी उनकी बढ़ जाए और उनकी आमदन का जरिया भी बढ़े, तो उसमें हमने 3 HP में ये 2 मॉडल्स लॉन्च किए हैं। ये दोनों मॉडल हैं, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है इनमें, दोनों मॉडल्स की बॉडी स्टेनलेस स्टील की है। अकेला इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, इसका जो चैम्बर है वो सिंगल चैम्बर में है। यहां से आप देख सकते हैं इसका चैम्बर जो है सिंगल में है, और जो दूसरा मॉडल है उसका चैम्बर डबल में है। उसमें जो अनाज है या मसाला है, 2 जगह से पिसाई होगा, पहले पीछे वाली साइड से उसकी पिसाई होगी, उसके बाद आगे वाले चैम्बर में आके उसकी पिसाई होती रहेगी। ठीक है, ये जो दोनों मॉडल्स हैं, अगर हम इनकी प्रोडक्शन की बात करें तो 30 से लेकर 35 KG प्रति घंटे की इनकी प्रोडक्शन है, चाहे आप अनाज निकालें, मसाला निकालें। और वहीं अगर इनकी बिजली कंजप्शन की बात करें तो 2.5 से लेकर 3 यूनिट सिर्फ ये बिजली कंज्यूम करती है प्रति घंटे की। ठीक है, उसके बाद ये जो मॉडल आ जाता है सुदेश भाई, ये हमारा उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं कि हमें फुली कमर्शियल मॉडल लेना है। तो ये हमने 5 HP का स्टेनलेस स्टील में सिंगल फेस में कॉपर वाइंडिंग की मोटर में लगाया गया है ये जो मॉडल है। इस मॉडल में भी आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर है, MCB लगा हुआ है, एम्पियर मीटर लगा हुआ है, वही आगे की साइड से मसाले की पिसाई होगी, इस साइड से आपका अनाज है उसका पिसाई होगा। इस मॉडल में अगर प्रोडक्शन की बात करें, अगर आपने दलिया या दाना बनाना है पशुओं के लिए तो 60-70 KG प्रति घंटे की भी प्रोडक्शन है। वहीं अगर आपको आटे की बात करें तो 50-60 KG प्रति घंटे इस मॉडल में प्रोडक्शन आती है। तो राहुल जी, सारे मॉडल आपने दिखा दिए, अब अगर बात की जाए इनकी गारंटी वारंटी की, तो क्या गारंटी वारंटी मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी?
सुदेश भाई, जैसे कि आपको पता है हमारी कंपनी का एक ही मकसद है कि हमारा जो कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट, हम दोनों भाई ये सोचते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हिंदुस्तान के हर एक गाँव देहात में किसानों के घर पे अवेलेबल हो। हम इन प्रोडक्ट्स को क्वालिटी अपडेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रही बात इनकी वारंटी की, 12 महीने की या एक साल की हम वारंटी देते हैं अपने कस्टमर्स को। उसके बाद भी अगर आपको किसी किस्म का स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारी कंपनी में हर किस्म का स्पेयर पार्ट अवेलेबल मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात आती है अगर कीमत की, तो कीमत क्या है? कीमत की बात सुरेश भाई, कीमत बताने से पहले मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को एक बात कहूंगा, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स किसानों की कंपनी है। हम किसानों के साथ मिलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका साथ हमें आगे भी चाहिए होगा। हम अपने जो मॉडल्स हैं, ये जितना भी आपको स्टील बॉडी दिख रहा है, हमने अपनी कीमतों में रेट में इंक्रीज नहीं किया है, हमने कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो GST बढ़ गया है, पहले आटा चक्की पे GST 5% था, अब उन्हीं पे GST 18% हो गया है, तो जो 13% GST बढ़ा है हमने अकेला वही बढ़ाया है अपने मॉडल्स पे। अच्छा, अब मैं आपको इनकी जो कीमत की बात बताता हूँ, ये सबसे पहले जो वुडन चक्की है आप 1 HP में आप देख रहे हो, वुडन कैबिनेट में, इसकी कीमत है 22,000 रुपया। इसको मंगवाने के लिए आपको 4,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट करना है। उसके बाद जो ये 2 HP स्टील बॉडी में आप देख रहे हैं, इसकी कीमत है 27,000 रुपया, इसके लिए आपको 5,000 रुपया एडवांस देना है। वहीं अगर आपको 3 HP में सिंगल चैम्बर में चाहिए तो इसकी कीमत है 30,500 रुपया, इसके लिए भी आपको एडवांस के तौर पे 5,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में जमा करवाना है। वहीं अगर आपको 3 HP में डबल चैम्बर में मशीन चाहिए, इसकी कीमत है 40,000 रुपया, इसके लिए भी आपको 5,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट करना है। और वहीं बात करें जो हमारा कमर्शियल मॉडल है 5 HP सिंगल फेज का, इसकी कीमत है 50,000 रुपया, इसके लिए आपको 10,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर, आपने महंगाई का हवाला भी दिया है और GST बढ़ना भी बता रहे हैं, बाकी कीमतें बता दी, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हमारे किसान भाइयों के लिए आप दें। सुदेश भाई, आप हर बार आते हो, मैं इस बार भी आपको निराश नहीं करूंगा, हर बार आप किसान भाइयों के लिए कहते हो। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से वादा करता हूं, जो भी मेरा किसान भाई, बहन, माताएं या बुजुर्ग मुझे आपके इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, नॉर्मल हम जो भी चक्की है उसके साथ 3 जालियां देते हैं, स्टील बॉडी की जो भी मॉडल है उसके साथ मैं आपको टोटल 6 जालियां फ्री में दूंगा जी। क्या बात है, अब बता दीजिए खरीदने की प्रोसेस क्या है। कोई भी किसान भाई जो ये मेरी वीडियो देख रहा है, डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट करना चाहता है, तो पंजाब में बठिंडा पे अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है। आप बाय बस, बाय कार या बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706, और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोलता हूँ 9855219706 और 9812411007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chibbaregri.com पे, हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का पेज है, आप हमारे चैनल पे जाके हमारे बाकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि जब भी आपने हमारी कंपनी में कॉल करना है, अगर किसी कारणवश मैं या मेरे छोटे भाई साहब की कॉल पिक ना कर पाए, हमारा कोई भी टेलीकॉलर स्टाफ आपको कॉल करता है, तो आप ऑर्डर देने से पहले उन्हें कहिए कि मेरी राहुल से या पारुल से वीडियो कॉल पर बात करवाएं। हम दोनों भाइयों से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करें जी। तो राहुल जी, यकीनन बहुत बढ़िया मशीनें लेके आए हैं, जिन किसान भाइयों को घरेलू जरूरत के हिसाब से मसाला पिसा या फिर कमर्शियल लेवल में जाना, वो अपनी जरूरत के अनुसार मशीन को परचेज कर लेंगे। बिल्कुल जी, तो ऐसी नई नई प्रकार की मशीनें किसान भाइयों के लिए लाते रहिए आप। बस आपका सहयोग है और किसान भाइयों का सहयोग है, आप हमें ऐसे ही सहयोग देते रहिए। हमारी कोशिश है कि हम हर बार आपके लिए नए नए प्रोडक्ट लेके आते रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मशीनें कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उनको खरीदनी तो स्क्रीन में नंबर दिए गए जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान, जय जय किसान।